लंबे समय से समस्याओं से जूझ रहे बल्लभगढ़ के आदर्श नगर वासियों का संतोष आखिरकार रविवार को दिखाई दे गया। वर्तमान सरकार और उसके प्रतिनिधियों की कार्यशैली से संतुष्ट लोगों ने रविवार को एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बल्लभगढ़ विधायक पंडित मूलचंद शर्मा और स्थानीय पार्षदों का अभिनंदन कर उनका सम्मान किया गया। फरीदाबाद में वर्तमान के वार्ड नंबर 3840 को बसे करीब 2 दशक से अधिक का समय हो गया है। इस दौरान कई सरकारें आईं और कई सरकारें गईं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो यहां की मूलभूत समस्याएं जो वर्षों से स्थानीय लोगों और नेताओं का मुंह चुड़ाती नजर आ रही हैं। लेकिन कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है और ऐसा ही परिवर्तन फरीदाबाद के वार्ड नंबर 3840 में देखने को मिल रहा है, जहां वर्षों से जन समस्याओं से त्रस्त हजारों आम लोग स्थानीय नेताओं का अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए। आदर्श नगर स्थित 24 फुट रोड के अंतिम छोर पर आयोजित इस कार्यक्रम में नेताओं का अभिनंदन करने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इलाके के तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। जहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया, वहीं स्थानीय विधायक का ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा अध्यक्ष और विधायक ने बताया कि अभिनंदन समारोह में जुटी भीड़ इस बात का साक्ष्य है कि लोगों में वर्तमान सरकार की कार्यशैली के प्रति संतोष है और वर्तमान भाजपा सरकार और उसके प्रतिनिधि जनता के विकास और कार्य प्राथमिकता के साथ करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर बल्लभगढ़ विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने रिबन काटकर वार्ड नंबर 38 की पार्षद उमा देवी सैनी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 40 की पार्षद सविता तंवर और उनके प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 38 के जो चुनाव के बाद जो अपने भाई बुद्धा सैनी उमा सैनी से पार्षद और यहाँ के लोगों की जो हमने मुख्यमंत्री जी दी है वो जन जन तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है कार्यकर्ता। जब तक किसी की आवाज़ नीचे अंतिम मुकाम तक नहीं पहुँचे जब तक विकास की गिनती नहीं होती। अब शुरुआत लगे हैं वार्ड नंबर 3840 काम, इसके लिए हम स्वागत जो स्वागत समारोह रखा इसमें जो वार्ड के जो लोग हैं जब बुद्धा सैनिक की धर्म करते हैं वो मतलब इस संगठन के लोग मिलकर सब काम करते हैं। कितने सारे लोग आए हैं अभिनंदन करने, भीड़ देखकर क्या लगता है? ये लोगों का अगर प्यार ना होता तो पार्षद नहीं बनते।